एनर्जी पढ़ाई दी, ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी का खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है, ये वर्क डन से कैलकुलेट होती है, ये वर्क डन से कैलकुलेट होती है। जो आदमी जो सिस्टम जितना वर्क कर लेगा वो इतनी ही ज्यादा एनर्जी कमा पाएगा। एक्चुअली कमाना छोड़ो, मैं थोड़ा और करेक्ट करता हूं बेटा, ये क्या चीज है, खर्चा है, खर्चा या इन्वेस्टमेंट, ऐसे समझिए। एक बात बताओ, एक नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए घर में, जैसे सपोज करो एक आदमी है अपनी फैमिली को चलाना चाह रहा है, तो जो उसकी इनकम होती है, सैलरी होती है, ये सैलरी मान लीजिए, ये सैलरी होती है जो कमानी पड़ती है, ये कमानी पड़ती है, हो सकता है बिजनेसमैन हो तो उसे कमाना पड़ेगा। अब आदमी कुछ कमाएगा तभी तो कुछ खर्चा या इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, आप ऐसे समझिए, पहले उसको कमाना पड़ेगा, ये वर्क डन वो चीज होती है। अब उसने जो कमाई की, अब ये उस पर मूड पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ खर्च करना चाह रहा है, कहाँ खर्च करना चाह रहा है, समझना मेरी बात। यदि वो सपोज करो देखो, जब आदमी ने कमाई करी, दिस इज वर्क डन मतलब कमाई, अब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ खर्च करता है, हो सकता है वो उसका कुछ गोल्ड ले ले, ठीक है, तो हम बोलेंगे गोल्ड एनर्जी, जबरदस्ती एक वर्ड बोल दिया समझ लो, हो सकता है उसके म्यूचुअल फंड ले ले, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गए हो ना, हो सकता है एफडी करा ले, हो सकता है सेविंग अकाउंट में डाल दे, हो सकता है होटल चला जाए रेस्टोरेंट में घूमने, हो सकता है पिकनिक में झूला वूला घूम, है ना, ये तो ये सब अफोर्डेबल तो यहीं से होगा ना, कमाई से, मेरी बात समझिएगा, ये चाहे वो गोल्ड ले, चाहे म्यूचुअल फंड ले, चाहे वो एफडी ले, ये क्या लिखा था मैंने, मैं खुद भूल गया ऐसे, इतना आलसी बने में, सेविंग सेविंग अकाउंट में डाल दे, चाहे वो होटल में जाए डिनर करे, यानी चाहे पिकनिक करे, खर्चा पानी करे, दारू पिए, ये सब दारू भी पिए, तो ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा बोलो, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब उसके पास इनकम हो, समझ में आ गया, इनकम हो। अब मैं इसको फिजिक्स के सिनारियों में बताता हूं, जब आप वर्क डन करते हो तो या तो वो खर्च हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो सेव हो जाएगा, भाई ये मूड में डिपेंड करता है ना, कि वो जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड एफडी सेविंग अकाउंट ये सेविंग्स हैं, ये सब खर्चे हैं, तो हो सकता है आपने जो वर्क डन किया हो वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च हो जाए, सामने आ जाए, हो सकता है आपका वर्क डन हीट एनर्जी, देखो एक बात बताओ, यदि मैं ये चौक है, जादू से तो काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, लेकिन यदि मैं इस पे वर्क कर दूं तो देखो वर्क कर दिया, ऐसे कर दिया, आ गई ना काइनेटिक एनर्जी, तो हो सकता है आपकी कमाई काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाए, वर्क करो काइनेटिक एनर्जी, आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो वर्क डन कहां जा रहा है, हो सकता है, अब देखो ये मैं वर्क डन कर रहा हूं, आप भी हाथ घिसो तो किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में, तो आपने जो कमाई करी वो हीट एनर्जी में चली गई, ठीक है, हो सकता है आप जो भी वर्क करो बिना वर्क के कोई एनर्जी क्रिएट, मतलब क्रिएट नहीं, कन्वर्ट नहीं होगी, वर्क डन एनर्जी, वर्क डन एनर्जी, एनर्जी वर्क के पास जाती है, फॉर्मूला दे दे, यदि आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो ये कमाई पे जाएगी, यार थोड़ी सी सेविंग दे दे, तो ये आपको देखना है कि आपका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में गया, हीट एनर्जी में गया, पोटेंशियल, हो सकता है आपका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए, है ना, अच्छा वैसे तो 33 करोड़ एनर्जी है, जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तब मैं बताऊंगा, दुनिया की इकलौती एनर्जी जिसमें एक अलग ही खूबी है, अलग खूबी है, ये जो गोल्ड म्यूचुअल फंड एफडी सेविंग अकाउंट, कायदे से ये खर्चा नहीं है, ये क्या चीज है बेटा, खर्चे तो ये हैं, गए पैसे गए, अब तो गए, खाना खा लिया, पिकनिक घूम ली, दारू पी ली, लेकिन ये खर्चे नहीं है, ये क्या चीज है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग है, स्टोर हो गई आपकी कमाई का ये पोर्शन स्टोर हो गया, तो वर्क डन यदि काइनेटिक एनर्जी में आती तो सामने आ गई, वर्क डन हीट एनर्जी में आ गई सामने आ गई, खर्च हो गई, लेकिन वर्क डन यदि आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यदि आप अपने वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में ले आओ तो वो सेव हो जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल ठीक है, कल मैं पावर को पढ़ा रहा था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी कि कमाई आपके मूड पे डिपेंड करती है, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, वर्क डन सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में जा रही है। अब मैं पावर के फॉर्मूले को बता देता हूं कल वाले को, पावर का फॉर्मूला, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हो लेकिन 11th में आके इतना एक्यूरेट हो गया कि ये एवरेज फॉर्मूला होता है, पावर का एवरेज फॉर्मूला होता है, लेकिन यदि आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है और एक्यूरेट निकालना है तो DW/DT, पावर इंस्टेंटेनियस, ये मोर एक्यूरेट कॉन्सेप्ट होता है, ये कल बता दिया था, यूनिट डायमेंशन, यूनिट बता दी थी ना, जूल पर सेकेंड यानी वॉट, ये भी स्केलर होता है, अब आगे देखिए, आगे आगे आगे, अच्छा मैंने एक दिन एक बात और बताई थी, दोबारा बता देता हूं,
देखिए यदि आप पावर का फॉर्मूला गए तो कुछ चीजें याद आ जाती हैं कि फिजिक्स को जनरल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जनरल लाइफ में भी वर्क वर्ड यूज करते ही हैं, करते हैं ना जनरल लाइफ में वर्क वर्ड, लेकिन यहां वर्क की अलग डेफिनेशन है। जब कोई बॉडी फोर्स के साथ डिस्प्लेस होगी तब वर्क मानते हैं। जनरल लाइफ में तो झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने को भी वर्क बोल देते हैं, वो वहां की डेफिनेशन है, वो वहां सही है, ये यहां सही है। अब एक आदमी ने ना लिटरेचर को फिजिक्स से जोड़ दिया, कहीं से लिटरेचर पढ़ी थी कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, है ना, कहीं से ये पढ़ लिया, और कहीं ये भी पढ़ लिया टाइम इज मनी। ठीक है, लिटरेचर के हिसाब से ये बात ठीक है, सेंटीमेंट्स हैं ये, टाइम इज मनी, नॉलेज इज पावर, है ना, पर मनी कैश थोड़ी नहीं हो जाएगा। टाइम ले बेटा तू, ये दो घंटे ले मुझे कैश, टाइम इज मनी, नॉलेज इज पावर। अब उसने फिजिक्स में कैसे कनेक्ट किया, कल परसों उसने पावर का फॉर्मूला पढ़ा कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सर ने पढ़ाया है, ऋतुराज सर ने पढ़ाया वर्क अपॉन टाइम, मैं ठीक है ना। अब उसमें इसने लिटरेचर घुसा दी, क्या घुसा दी यार, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, अच्छा पावर नॉलेज है, नॉलेज, तो उसने पावर की जगह लिख दी नॉलेज, फॉर्मूला बना रहा है जबरदस्ती, वर्क की जगह वर्क लिखा रहने दिया, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ठीक है। अब बताइए यहां से मनी 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 का एक फॉर्मूला बना लिया उसने, मनी का फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क अपॉन नॉलेज, वर्क अपॉन नॉलेज, ओके। अब देखिए उसकी कैलकुलेशन, उत्तरी यार पैसा बनाना है तो देखना, एज नॉलेज ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जितना कम हो जाएगा, हाँ हाँ एक बार और सुन लो, डिनोमिनेटर जितना कम हो जाएगा, है ना, वर्क को एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर कम करो तो ये वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो उसने एक नया फॉर्मूला बनाया कि एज नॉलेज टेंस टू जीरो, एज नॉलेज टेंस टू ढक्कन जीरो, मनी टेंस टू इंफिनिटी, नॉलेज टेंस टू जीरो, मनी टेंस टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट पैसा जनरेट होने लग जाएगा। अब बताओ कहां कमी थी, फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला तो सही है, कमी कहां थी, कमी थी आप जबरदस्ती फिजिक्स में लिटरेचर घुसा रहे हो, ठीक है, फिजिक्स में इमोशंस नहीं चलते, ओके। चलिए अब आ जाइए पावर के फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा यूनिट डायमेंशन आपके लिए, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा देखिए, यदि कोई बॉडी, अब हम क्योंकि मैकेनिक्स पढ़, अच्छा एक चीज और, पावर का फॉर्मूला ना जैसे मैंने डब्ल्यू अपॉन टी पढ़ाया है, बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत राजा बेटा है, फ्लेक्सिबल। कल ही हमने पढ़ा है कि वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क, एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी, गंगाधर शक्तिमान, तो वर्क की जगह आप यह एनर्जी वर्ड भी लिख सकते हो, तो हो सकता है आपको पावर को इस रूप में भी कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहां पे एक चीज सुनना, यदि ये एनर्जी, मेरा शब्द सुनना, यदि ये एनर्जी डिलीवर्ड है तो हम बोलेंगे पावर डिलीवर्ड, यदि ये एनर्जी डिसिपेटेड है तो इसे बोलेंगे पावर डिसिपेटेड, यदि ये मैकेनिकल एनर्जी है तो ये मैकेनिकल पावर, ये केमिकल एनर्जी तो केमिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये इलेक्ट्रिकल पावर, समझ गए, एडजस्टेबल फॉर्मूला, ये जैसी एनर्जी वैसा फॉर्मूला, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर, जो एनर्जी यहां रखोगे वो वहां पे वही पावर बोल दोगे। अच्छा मैंने एक वर्ड और बोला, एनर्जी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड यार जैसे एक बात हो, इंजन बाइक को एनर्जी डिलीवर करता है कि नहीं करता, तो ये शब्द से कंफ्यूज मत होना, तो पावर का एक फ्लेक्सिबल फॉर्मूला ये भी है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, बस शब्दों को ठीक से यूज करना। यदि ये केमिकल एनर्जी है तो ये केमिकल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी तो न्यूक्लियर पावर, मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल पावर। हम वैसे 11th में मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ेंगे, तो आपके मैकेनिकल पावर वेट कर रही है। एक और चीज, तीसरी बात, ठीक है तीसरी बात, क्योंकि पावर का फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, तीसरी बात, पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी होता है ना। अब वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस लिख सकते हो, आप एफ डॉट एस लिख सकते हो, होते ही है डब्ल्यू की जगह और अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी, ठीक। अब मैंने क्या किया, चालाकी से एक चीज मुझे दिख रही है जो शायद आपको थोड़ी देर बाद दिखे, मेरी पैनी नजर से देखना आप, नहीं आप कैसे देखोगे। अच्छा एक बात बताओ, दारा सिंह जब कुश्ती लड़ते थे, दारा सिंह, तो वो इस उंगली का प्रयोग कभी नहीं करते थे, बताओ क्यों, जल्दी बताओ, यदि बता सको, दारा सिंह नाम सुना हो, हमारे आइकॉनिक है नहीं, जब भी दारा सिंह कुश्ती लड़ते थे तो इस उंगली का प्रयोग नहीं करते थे,
क्यों? क्योंकि ये उंगली मेरी है, हाँ ये उंगली मेरी है, इसका कैसे प्रयोग कर लेंगे? तो अभी मैंने जो सेंटेंस हाँ दिया, वेरी गुड, ठीक। तो मैंने अभी कहा ना मेरी नजर से देखो, तो आप कैसे देख पाओगे मेरी नजर से? चलिए सॉरी, तो मैंने डब्ल्यू की जगह एफ डॉट एस लिख दिया और टी की जगह टी लिख दिया। अब टी को ना केवल इसके नीचे फील करो, मैं इतना ये मिटा देता हूं, केवल टी को इसके नीचे फील करो, अब शायद मेरी नजर से थोड़ा थोड़ा आप पहुंच पाओ। एस अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। ओए ओए हाँ, ये तो वेलोसिटी है, तो पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी है, शायद हो सकता है पहली बार पढ़ा हो, और पास में पढ़ा होगा तो जंग तो लगी चुकी होगी। तो पावर इक्वल, लेकिन 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 इस फॉर्मूले के साथ शर्त है, ये केवल मैकेनिकल पावर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में तो वेलोसिटी आएगी, मैकेनिक्स में तो वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये मैकेनिक्स जब पढ़ोगे वहीं तो मोशन जनरेट होगा। जब मैकेनिकल, मैंने बताया था ना, केमिकल एनर्जी तो केमिकल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी तो न्यूक्लियर पावर, मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। वो है ना वो डायलॉग मिर्जापुर जी ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा कोई कहना चाह रहा है कि नहीं हम ऐसे पढ़ेंगे, तो पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं, ऐसे सर असली वाले फॉर्मूले से बात करो, क्योंकि असली फॉर्मूला तो ये है। सही बात है, मैंने ही बताया था कि कल ये असली फॉर्मूला है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, बेटा ध्यान रखना स्मॉल। एक चीज आपको पता है कि प्लस, जैसे कोई साइन हो तो प्लस वहां जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाता है, पलंकु जाके, है ना। तो वैसे ही आपको वर्क डन का फॉर्मूला मैंने ये बताया है ना, या यू कहिए एफ डॉट डी एस इक्वल टू वर्क डन, असली फॉर्मूला ये है ना। तो जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाता है, यदि मैं इंटीग्रेशन को वहां ले जाऊं तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता है डी डब्ल्यू। समझना बेटा, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है ना, समझ गए? तो इंटीग्रेशन को वहां ले जाओगे तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आप ऐसे याद करने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो बोलो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये वाली बात, ये तो वर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन वहां ले जाओगे तो वो डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, मैंने वही चंड बना डी टी उसी के नीचे लिखा जहां मुझे जोड़ी दिख रही है, dt 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 ds upon dt instantaneous velocity। तो भी p बराबर f की जगह f, dot की जगह dot, और ये क्या है instantaneous velocity। तो power का चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, हाँ लेकिन होगा ये mechanical power ही, mechanical power ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर आ जाइए एक और चीज power के बारे में, एक चीज और add कर देता हूं, इसी में एक note और आता है efficiency। जब हम एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते, ईटा ये साइन बहुत पहले बता दिया था ना, ईटा एफिशिएंसी माने किसी मशीन की एफिशिएंसी, हम यहां पढ़ेंगे, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो पंप हो, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो। अच्छा ठीक है, दुनिया की कोई भी मशीन ऑटोमेटिक नहीं है बेटा, भले ही उसका नाम ऑटोमेटिक हो लेकिन कोई मशीन ऑटोमेटिक नहीं होती, उसको कुछ ना कुछ पहले इनपुट देना पड़ता है। कोई भी मशीन, उसको पहले इनपुट दो, उसे कुछ खाएगी, उसके बदले में वो कुछ आउटपुट देगी। हर मशीन पहले इनपुट लेती है फिर कुछ आउटपुट देती है। हाँ वो मशीन का नेचर हो सकता है कि वो क्या आउटपुट देने के लिए बनाई गई हो। कोई भी मशीन, अच्छा वॉशिंग मशीन है, बताओ पहले इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट लेगी कि नहीं लेगी? चाहे वो लाख ऑटोमेटिक मशीन हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ी नहीं चल जाएगी, उसको प्लग करना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी एज ए इनपुट ली, उसके बाद उसमें घर घर मोटर घूम रही है, मैकेनिकल पावर उसने दी, इलेक्ट्रिकल पावर ली वॉशिंग मशीन ने और आउटपुट में मैकेनिकल पावर दी। सेम पंखा भी यही करता है, इलेक्ट्रिकल पावर लेता है कि नहीं लेता है? इलेक्ट्रिकल पावर पहले लेता है, बिना बिजली के थोड़ी नहीं पंखा चल जाएगा, पहले इलेक्ट्रिकल पावर लेता है उसके बाद उसकी पंखड़ियां घूमती हैं। कार मोटरसाइकिल पहले वो हीट एनर्जी लेती है, उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। हीट एनर्जी लेती है कि नहीं लेती? उस हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए तो पेट्रोल डीजल ये फ्यूल डलता है, तभी तो खर्चा हो जाता है। ऐसा है कोई मशीन जो बिना खर्चे के काम कर जाए? तो अब देखिए, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो मशीन कितनी एफिशिएंट है। बात तो वही हुई, एफिशिएंसी को समझाने के लिए एफिशिएंसी वर्ड यूज कर लिया। अच्छा आपकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं?
आप लोगों की, जैसे एज ए स्टूडेंट जब है ना, बताना एक बार बताइए, एक के मान लो एग्जाम हुआ, मान लो रामलाल और श्यामलाल कह रहे हैं, एक रामलाल कह रहे हैं रामलाल रामलाल कि मेरे तो 50 नंबर आए हैं, श्यामलाल कह रहे हैं मेरे 30 नंबर आए हैं, तो कौन ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है, रामलाल या श्यामलाल? रामलाल ने कहा मेरे 50 नंबर आए, श्यामलाल कह रहे हैं मेरे 30 नंबर आए हैं। बताइए कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? रामलाल ने कहा मेरे 50 नंबर आए, श्यामलाल कह रहे हैं मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, कौन एफिशिएंट है? भूमिका कह रही है रामलाल, सुहानी कह रही है रामलाल। इसे भी बताने के लिए बच्चे सोच रहे हैं कौन एफिशिएंट है, बोलो। रामलाल कह रहा है मेरे पास 50 नंबर आए मेरे, श्यामलाल कह रहे हैं मेरे 30 नंबर आए हैं, तो कौन होशियार हुआ, कौन एफिशिएंट हुआ? चलिए, इसके आए हैं 100 में से, इसके आए हैं 30 में से, है? इसके तो 50 नंबर आए लेकिन 100 में से, और इसके आए 30, 30 में से। उत्तरी एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ओ भाई मारो मुझे, है ये क्या हुआ, कर दी आपने चुल्लू, है नहीं यार यार चुल्लू करोगे, अच्छा अच्छा अचानक से श्यामलाल होशियार हो गया। तो एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं कि नंबर आए लेकिन कितने में से, कितने में से, यार इसने 100 में से 50 आए, इसके 30 में से, तो ये तो और अच्छा है, 30 चलो मैं तो यूं कह रहा हूं 32 में से आके तो भी तो यही एफिशिएंट हुआ है ना। तो ऐसे ही मशीन की एफिशिएंसी निकालते हैं कि कितने नीचे रखेंगे कि कितना पहले नंबर का पेपर था, इनपुट पावर नीचे लिखेंगे, इनपुट पावर PI नीचे इनपुट, बदले में उसने कितनी आउटपुट पावर परफॉर्म करी, उसका रिजल्ट क्या आया, समझ गए? उसका क्या, इसको शॉर्ट में PO, O फॉर आउटपुट, I फॉर इनपुट, ये होती है एफिशिएंसी। जैसे आपके, आपकी एफिशिएंसी केवल मार्क्स नहीं, कितने में से मार्क्स आए ऐसे निकलेगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और यहां पे एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक चीज सोचो, एफिशिएंसी की कोई डायमेंशन तो होगी नहीं, ऊपर पावर नीचे पावर डायमेंशन लेस, एनर्जी भी लिख सकते हो, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, वो भी डायमेंशन लेस ही आएगा। और यदि आपको अपने मार्क्स परसेंटेज में बदलने हो तो क्या करते हो आप बेटा, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। तो ऐसे ही यदि एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इधर इनटू 100 कर दीजिएगा, इनटू 100 एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन, ऐसे निकालते हैं कि कितनी मशीन उसने इनपुट ले रही है उसके बदले में कितना काम कर रही है ना। अब आप देखते हो ना कि जो बाइक एवरेज अच्छा देती है, कि महबूबा के प्यार में मर गया पीटर, महबूबा के प्यार में मर गया पीटर, और हीरो होंडा स्प्लेंडर 80 किलोमीटर पर लीटर, तो देती है ना क्या कहते हैं कंपनी, वो एवरेज बताती है कि एक लीटर में 80 किलोमीटर चल लेती हो भाई, है ना ए भाई। तो ये यही तो बताने की कोशिश होती है कि देखो इतनी एफिशिएंट है। चलो ओके, अच्छा याद करने के लिए ऊपर लिखा है पीओ, नीचे लिखा है पीआई। मैंने उससे कहा पीओ, वो कहती है हाँ पीआई, मैंने कहा पीओ पीआई, दारू की बात चल रही है, पीओ पीआई याद करने के लिए, यानी कि पीओ कह रहे मैं तो पीआई, वो मैं टल्ली थी पहले से। ओके चलिए, ये तो हो गया पावर का कॉन्सेप्ट। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आते हैं टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा था ना एनर्जी तो बहुत सारी है हमारे सिलेबस में, वो सॉरी ब्रह्मांड में, लेकिन हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को ही पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट, पावर के लिए एक क्वेश्चन आया, पावर की बहुत सारी यूनिट है, उनमें से एक वॉट है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे ना यूनिट अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इंजन होते हैं उनकी यूनिट वाट ना चला के 1 हॉर्स पावर 1 HP चलाते हैं, मतलब HP हॉर्स पावर, ये उनका अपना लेवल है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट तो है और 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट, मतलब ये यूनिट पुराने जमाने से चली आ रही है, 1 हॉर्स पावर घोड़े की ताकत, एक एवरेज घोड़े में इतनी ताकत होती है ऐसा बोलते हैं। अच्छा ये बताना कोई प्रेग्नेंट घोड़ा है वो तेज दौड़ेगा, कोई प्रेग्नेंट घोड़ी सॉरी नहीं प्रेग्नेंट घोड़ी तेज दौड़ेगी या धीमी दौड़ेगी? मुझे देखो मेरा कल वाला क्वेश्चन है ये कि यदि मैं अपने आप को खा जाऊं तो मेरा वजन मैं गायब हो जाऊंगा या मेरा वजन दुगना हो जाएगा,
मुझे ऐसा लगता है प्रेग्नेंट लेडीज है तेज दौड़ती होगी बिकॉज उसमें 2 हॉर्स पावर है ना। ऐसे ही वाहियात चीजों के कॉन्सेप्ट के लिए भी बीच में ये वाहियात कॉन्सेप्ट भी सुनने को मिलेंगे। तो ये हॉर्स पावर 746 वाट, ठीक है। ऐसी जब हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, वहां एनर्जी की यूनिट जूल ना चला के किलोवाट आवर चलाते हैं, जो बिजली का बिल आता है। लेकिन अभी उस जगह जाना नहीं है हमें अभी, है ना, रहने दो। तो अब आ जाइए काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको ये बता रहा था ब्रह्मांड में तो वैसे बहुत सारी एनर्जी डोल रही है, हमारे 11th की फिजिक्स में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। और मैकेनिकल एनर्जी के दो रूप है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। पहले पहले काइनेटिक एनर्जी को पकड़ते हैं। इसका कोई सिंबल विम्बल तो नहीं है, के ही लिख देते हैं, और कुछ जब बड़े हो जाओगे तो टी भी लिख देते हैं बड़ी बड़ी बुक्स में, है ना। तो इसे टी को तो रहने दो, के ही लेके चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ रहे हो, एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से। पता है ये सच बात है, यदि कोई बॉडी मोशन में आ जाए तो उसमें एक अलग ही एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसमें और वो और एनर्जेटिक हो जाता है मोशन में आते ही। बताना ये पत्थर और ये पत्थर दोनों एक ही पत्थर है, एक ही चीज, बस इसको मोशन दे दिया। यार ये पत्थर किसी को तय, बताना यदि ये पत्थर, ठीक है, और ये साइकिल इसके बगल में खड़ी हुई है, और ये पत्थर साइकिल थोड़ा सा दूरी है, तो ऑब्वियसली ये अपनी एनर्जी से इसको नुकसान पहुंचा देगा कि नहीं। इसमें एनर्जी है, तो अचानक इसमें क्या हो गया कि इसमें एनर्जी हो गई, क्योंकि इसमें मोशन आ गया। अच्छा गोली है, यदि गोली में उस बंदूक में से निकाल के आपको या दुश्मन को यूं मार दूं या उसकी जेब में रख दूं, ले मर जाएगा वो, बंदूक में से गोली लेके उसकी पॉकेट में रख दूं, ऊपर वाली जेब में ले मर जा, गोली से नहीं मरा वो, गोली की काइनेटिक एनर्जी से मर सकता है। जब बंदूक से निकल के ना धाएं साएं काइनेटिक एनर्जी जब, तो अब बताइए जब गोली चली काइनेटिक एनर्जी के साथ तब इंजरी जनरेट हुई ना, उसमें इंजरी हुई। तो मोशन जब आ जाता है तो एक अलग ही एनर्जी लेवल, आपने देखा होगा जब आप, मुझे नहीं लगता हम में से ऐसा कोई होगा जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, छोटे मोटे एक्सीडेंट सबके हो जाते हैं, स्कूटी स्लिप होना, ये आपने देखा होगा। जब आप गाड़ी या बाइक स्कूटी तेज चलाते हो तो आपको इंजरी ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और धीमे चलाते हो तो एक्सीडेंट हो भी गया तो आप तो भी काफी हद तक सेफ्टी के चांसेस रहते हैं। तो एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बताना आपने सुना होगा टर्बाइन, टर्बाइन मुझ पर बनेगा और नहीं ये, ठीक है, टरबाइन, और ये पूरा यहाँ पे, फिर ये मेन तो टरबाइन होता है। अब देख लेना बेटा मेरी आर्ट ऐसी है ना, ऊपर से जब डैम में से पानी छोड़ा जाता है, इस पे छोड़ा जाता है तो घूमता ही नहीं घूमता, ये वीडियोस आजकल यूट्यूब पे बहुत है वो देखिएगा। तो कौन घुमा रहा है इसको, पानी की काइनेटिक एनर्जी घुमा रही है इसको, यानी काइनेटिक एनर्जी में भी वर्क करने की क्षमता होती है, ध्यान रखना। ऊपर से डैम में से पानी फेंका जाता है, खाई काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन पे पड़ता है, ये टरबाइन घूमता है, और फिर वो रॉड वॉड कनेक्ट करके शाफ्ट वगैरह कनेक्ट करके आगे जनरेटर घूमते हैं। फिलहाल इधर देखो, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एनर्जी क्यों बोला, जो काम कर सकता है वो एनर्जी है, जो वर्क कर सकता है वो एनर्जी है। बताना ऊपर से आपने काइनेटिक एनर्जी से पानी डाला तो टर्बाइन पे काम कर रही है नहीं कर रही, उसे घुमा रही है, वर्क कर रही है, इसलिए वो काइनेटिक के साथ वर्ड क्या जोड़ के एनर्जी। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच हैव अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्च्यू वर्ड तो जानते हो ना, वर्च्यू एक वर्ज वर्ड अलग आया था फिक्शन में, ये वर्च्यू है। वर्च्यू को हिंदी में बोल सकते हैं गुण, उसकी उस प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉपर्टी गुण, गुड़ खाने वाला नहीं गुड़, ये वाला। इस गुण में और इस गुण में तो अंतर जानते हो ना, हमारी हिंदी बड़ी सफिशियंट है, जो मात्रा होती है वही बोली जाती है, गुड़ गुड़, मैं उस गुड़ की बात कर रहा हूं, ये गुड़। अच्छा एक और आ रहा है गुड़ से, फिर याद आ गया, एक बार सिवेश का मन नहीं लग रहा था, तो सिवेश का सर आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो चलो कुछ खेलते हैं। तो हमने सिवेश नहीं और मैंने ना दुकानदार दुकानदार ग्राहक खेलते हैं, दुकानदार ग्राहक सिवेश ले लेता हूँ, मजा आएगा, कोई नहीं थोड़ी सी बेइज्जती होगी बस, टांग खींचेगी, बेइज्जती नहीं, ठीक। तो सिवेश और मैं खेल लेते, चल कुछ खेलते हैं, दुकानदार ग्राहक दुकानदार ग्राहक। तो मैं दुकानदार बन गया, सिवेश जैसे बचपन में घर घर खेलते हैं ना बच्चे, तो वैसे ही हम दुकानदार ग्राहक खेलते हैं। मैं दुकानदार बन गया, शिवेश आता है, भाई साहब एक बोतल गुड़ देना। मैंने कि देख गुड़ ना बोतल में नहीं मांगते, ऐसे मांगते किलो, आधी किलो, पौन किलो, ऐसे मांग, जा दोबारा जा, दोबारा जा। अच्छा अच्छा दोबारा गया, फिर दोबारा, भाई साहब आधी किलो गुड़ दे दो बोतल में।
मैंने कहा यार ये बोतल यार ये समझ नहीं पा रहा, तो फिर मैंने कहा जैसे मैं कोशिश करता हूँ मुझे समझाने की, अच्छा तू एक काम कर, तू दुकानदार बन, तू दुकानदार बन, मैं ग्राहक बनता हूँ, अब सुरेश दुकानदार है मैं ग्राहक हूँ। अब मैं आ गया, भाई साहब आधी किलो गुड़ देना। तो सुरेश कहता है बोतल लाए हो, काम में दूंगा, कोई नहीं ठीक चलिए। तो वर्च्यू माने गुण, फिर मैंने सरेंडर कर दिया। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन। अब एक चीज समझिएगा, यदि ये कोई बॉडी है, रेस पे है, इमेजिन करना रेस में, पक्का इसमें एनर्जी होगी। ऐसी ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो सकता है थोड़ा गर्म हो। अच्छा ये बताओ, इसका मेरे कमरे में रखिए तो कमरे का टेम्परेचर तो होगा इसका 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर वाली एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होगी, हमें उस जगह नहीं जाना। अब सुनना, ये एक बॉडी पड़ी हुई है कमरे में, मैंने इस पे ठीक है ना, और ये भागने लगी थोड़ी देर बाद, मैंने भगाई उसे, मैंने दम लगाया है ना, अब ये ऐसे भागने लगी ऐसे, तो आप मुझे बताइए इसकी एनर्जी ई प्लस कुछ हो गई या नहीं हो गई। अब बताइए ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, इसमें तमाम एनर्जी हो सकती है ना, लेकिन जैसी मैं इसे मोशन दूंगा तो इसकी एनर्जी, देखो टेम्परेचर वही रहा होगा, इंटरनल एनर्जी वही रहेगी, वो तो उसमें है ही, लेकिन कुछ और बढ़ गई, कुछ और बढ़ गई इसकी एनर्जी। इस कुछ का ही नाम है काइनेटिक एनर्जी। इस कुछ का ही नाम हमने क्या दे दिया कि वो एनर्जी में इंक्रीमेंट जो उसके मोशन की वजह से हो जाता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये नहीं कि उसमें और कोई एनर्जी नहीं होगी, उसमें और भी बहुत पास की एनर्जी होगी, नो डाउट, समझ में आया। सुनना, उसमें केमिकल एनर्जी हो सकता है, ये बैटरी हो, केमिकल एनर्जी भर रही होगी अंदर, मैंने बैटरी को धक्का दे दिया। तो समझना कॉन्सेप्ट कि एक सिस्टम है, बॉडी है, उसमें ऑलरेडी कोई एनर्जी है लेकिन वो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही मैं उसे मोशन दूंगा तो ये बात मानिए कि मोशन की वजह से उसकी एक एनर्जी और एड हो गई, जो एनर्जी पहले केवल ई थी अब उस ई प्लस कुछ हो जाएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं मोशन के बाद उसमें कुछ अलग ही। देखो पानी जब डैम में स्टोर था तो बात अलग थी, लेकिन जब पानी मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी दिखी ना, गोली जब बंदूक में थी तो अलग थी, लेकिन जब वो चलती है तो काइनेटिक एनर्जी और ऐड हो गई, नहीं हो गई। तो यानी यही प्लस कुछ, इस कुछ का ही नाम है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नो डाउट फॉर्मूला सबको पता है, इतने पोर्शन का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन हम 11 में आ गए, हम इसको प्रूफ करेंगे आया कहां से एक्सप्रेशन, कोई आकाशवाणी तो नहीं हुई होगी ना फिजिक्स में, गरड़ गरड़ बिजली की आवाज हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो न्यूटन ने सुन लिया हो उस समय है भाई, ऐसे कोई आकाशवाणी थोड़ी नहीं होगी कि कोई पर्चे बढ़ गए कि काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर होता है, चलिए इसको डराइव करते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट देखिए, यहां बॉडी रेस्ट में थी, इसमें अल मल टल टाइप की एनर्जी थी, लेकिन मोशन में आती इसमें काइनेटिक एनर्जी और एड हो गई। अब बताइए यहां से यहां आने में, यहां से यहां लाने में मुझे, अब बताइए मैंने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया था, यदि मुझे होटल में जाके खाना खाना है तो मेरी जेब में मुझे पैसे होने चाहिए ना, मुझे कमाई तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने क्या कहा था, वर्क डन करोगे तो आप गोल्ड ले लोगे, वर्क डन लोगे तो म्यूचुअल फंड ले लोगे, वर्क डन कमाई करोगे, वर्क डन माने कमाई, कमाई करोगे तो होटल में खाना भी खा सकते हो, है ना, खर्च भी कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी कमानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहां से यहां मुझे एक वर्क डन ऐड करना पड़ा, करना पड़ा कि नहीं पता ना, या मेरे मंत्र, मैं तांत्रिक हूं, भट्ट स्वाहा मूव कर जा, कि मेरी शक्तियों से, दैवीय शक्तियों से मूव कर गया ये, नहीं, मुझे वर्क करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो पता है, सुनिए, मुझे यदि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो सुनिए, मैं कल ही बता चुका हूं, दुनिया की किसी एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं है, सारी एनर्जी वर्क के पास भीख मांगने जाती है, फॉर्मूला दे दे फॉर्मूला। अब ये काइनेटिक एनर्जी वर्क के पास जाएगी, फॉर्मूला दे दे। तो चलिए देखते हैं कि यहां से यहां आने में कितना वर्क हमें एडिशनल वर्क करना पड़ा, केवल इस पर्पस के लिए कि उसकी वेलोसिटी जीरो। अच्छा जब इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो, यहां कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी अभी यहां हुई है, तो वो कैसे आई है, वर्क डन से, जो भी आपने यहां से यहां तक का वर्क डन किया है, जो भी आपने वर्क डन। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्टिंग करो, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हम तो ये जानते हैं एनर्जी कहती है, फॉर्मूला दे दे। अब वो एनर्जी कौन सी हो सकती है, इस समय तो वो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने कहा था ना, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन किस रूप में जा रहा है, आपकी कमाई होटल में खर्च कर रहे हो कि अपनी कमाई
दारू में खर्च कर रहे हो, इस समय आपकी जो कमाई है वो कहां एपियर हो रही है बोलो? आपकी कमाई इस वाले सिनारियो में, इस वाले सिनारियो में आपने जो कमाई करी यानी वर्क डन होती है कमाई, वो किस रूप में एपियर हो रही है बताइए? यदि ये सीन मैं आपके सामने पढ़ाऊं, जल्दी टाइप करो, आपका वर्क डन किस रूप में एपियर हो रहा है? नहीं करोगे टाइप, गुस्सा हो, सेवेश गुस्सा हो गया? नहीं यार, ये तो मेरी मोहब्बत थी बेटा। हाँ सुहानी ने टाइप किया। और कोई नहीं, यानी मैं आज अच्छा नहीं समझा पा रहा ऐसा लग रहा है, यानी संडे है इसलिए। हाँ संडे भी तो है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। चलिए वर्क डन, मैंने जो वर्क परफॉर्म किया है ना, इस पर जो एडिशनल वर्क किया है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही तो अपीयर हो गया है। ये रही चौक, चुपचाप पड़ी हुई है, चुपचाप पड़ी रहेगी, ठीक है। जैसी मैं इसमें वर्क करूंगा काइनेटिक एनर्जी आ गई इस वाले सीन में, यदि ऐसे करता हूं तो। चलिए यदि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी वर्क के पास गई, फॉर्मूला दे दे यार प्लीज, तू कैलकुलेट हो, तूने कितना वर्क डन किया है। तो चलिए आइए इस वर्क को कैलकुलेट करते हैं, आइए इस वर्क को कैलकुलेट करते हैं। चलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एफ डॉट डी एस होता है, नहीं होता एफ डॉट डी एस फोर्स। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों चुना मैंने, ये बढ़िया चीज है, कभी भी फोर्स कॉन्स्टेंट हो वेरिएबल हो कभी साथ नहीं छोड़ता, इंट्रीगेशन वाला ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। फिलहाल मैं कन्वीनियंसी के लिए सीधे सीधे फोर्स लगा देता हूं और डिस्प्लेसमेंट भी सीधे सीधे मान लेता हूं, कन्वीनियंसी के लिए फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट तो आपके सामने ऐसा हो ही रहा है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट घटाना बेटा, एफ डी एस कॉस, जल्दी बोलो, कन्वीनियंसी के लिए जीरो लिया है मैंने, फोर्स भी इधर लगाई है, जो भी फोर्स लगाई मैंने, ठीक है, कॉस जीरो वन हो गया। इसकी जगह लिख सकता हूं एम ए, ध्यान रखना फोर्स कहता है मेरे पास मास है, एम ए, एम ए लिख दिया, डीएस की जगह डीएस लिख दिया, कॉस जीरो भाई साहब वन हो गए, वन को लिखो लिखो मत लिखो, अभी समझना है ना। और यहां पे आते हैं एम, वैसे एम बाहर आ सकता है तो आप मुझे अलाउ करो, क्योंकि देखो इस पूरे सिनेरियो में मास नहीं बदलेगा मेरे को, ठीक है। तो मास को मैं बाहर ले लूं, ध्यान रखना ये, ठीक है, मास को बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट को बाहर। अब इस ए को, अब अच्छा मेरे दिमाग में एक साजिश एक प्लानिंग चल रही है, ए ए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो डीवी अपॉन डीटी होता है, ए को डीवी अपॉन डीटी लिख दिया, डीएस को डीएस लिख दिया, ठीक है। अब आजकल ये होता है ना, इसकी गर्लफ्रेंड को इसके साथ चिपका दो, तो ये इसकी सेटिंग बना दो इसको थोड़ी देर के लिए, डीटी मैंने इसको उठा के इसके साथ एडजस्ट कर लिया, हो जाता है ना कभी कभी, ठीक है, डीटी को उसको उठा के इसके संग दे दो, ठीक है, कुछ कुछ होता है, पहली स्टोरी ये इसके साथ चलेगी, तो ये क्या बन गया अपने यहां पे बताओ? जैसे ही डीटी मैंने इसका उठा के इसको दे दिया, डिनोमिनेटर को यहां से मतलब किसका दिया, ले ले धक्का दे के ये तू इधर जा, तो ये डीएस अपॉन डीटी कहीं देखा है आपने? हाँ देखा होगा, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं एलएचएस, ध्यान रखना, वर्क एम बाहर है इंट्रीगेशन, ये रहा डब्ल्यू, एम बाहर इंट्रीगेशन, ये रहा डीवी, और डीएस अपॉन डीटी क्या हो गया वी। अब जनरली हम जब इंट्रीगेशन करते हैं तो जो इंटी जिसके रेस्पेक्ट इंट्रीगेशन करते हैं ना उसको एंड में लिखते हैं, और इसको यहां लिख लो बस, ये थोड़े बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा ना, यहां हम इंट्रीगेशन करने की स्थिति में नहीं थे बेटा। इंट्रीगेशन पता है कब होता है? जिसका इंट्रीगेशन करते हैं वही वेरिएबल यहां होना चाहिए तभी पॉसिबल हो पाता है। जिसका इंट्रीगेशन अब ए का इंट्रीगेशन कर रहे हो तो यहां डी ए होता तो हो जाता, लेकिन ए का इंट्रीगेशन कर रहे हो और कर रहे हो डीएस के रेस्पेक्ट, तो ये इंटीग्रेशन की कमी मान लो चाहे कुछ भी, ये लिमिटेशन है, इंटीग्रेशन ऐसे हो ही नहीं पाता। तो हमने ये जुगाड़बाजी कर करके आप गौर से देखो अपने इंटीग्रेशन को इस लायक बनाया है कि इधर डीवी और इधर वी आ गया है। होप कि आप समझ में आया होगा कि ये इंटीग्रेशन, ये जो स्टेप किए गए हैं क्यों किए गए हैं, ये स्टेप बीच में क्यों किए गए हैं, क्योंकि इस जगह हमने सरेंडर कर दिया, इंट्रीगेशन ने सरेंडर कर दिया, नहीं मुझ पे नहीं होगा भाई इंट्रीगेशन पे, तो हमने ए को डीवी अपॉन डीटी, डीटी को इधर खिसका के उसे वी बना लिया। हाँ अब हो जाएगा इंट्रीगेशन, बताओ क्या होगा वी का इंट्रीगेशन, वी डीवी का इंट्रीगेशन, जल्दी बताओ इसका इंट्रीगेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, चाहे बोलो चाहे चाहे बोलो चाहे, वी स्क्वायर अपॉन टू इसका इंट्रीगेशन, बिल्कुल ठीक। मैं नाम बोल देता हूं किसने बोला था, ये हर्ष ने बोला है और एक एक शिवेश ने बोला है, ठीक वी स्क्वायर अपॉन टू शिवेश का, ठीक है ना, हर्ष और शिवेश ने दो का आंसर आया है। अब लेकिन ध्यान रखना यार लिमिट का भी काम करेंगे, किसके रेस्पेक्ट इंट्रीगेशन कर रहे हो आप,
चढ़ा रहा हूं बेटा, शुभम चढ़ा रहा हूं। बताओ आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट कर रहे हो? तो आप ये देखिए, ये जो सीन क्रिएट हुआ है इसमें वेलोसिटी कहां से कहां, वेलोसिटी क्या थी, क्या हो गई, क्या थी, क्या क्या थी, जीरो थी, क्या हो गई, कुछ हो गई, कुछ भी हो गई। तो कि जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हो ना उसी की लिमिट चलती है। यदि ये डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता, जो मैंने सेकंड क्लास में बताया था वर्कडन के फॉर्मूले में एफ एक्स आ रहा था टेन एक्स डी एक्स, तो क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा था तो एक्स की लिमिट चढ़ी थी, यहाँ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट हो रहा है तो वेलोसिटी की लिमिट चढ़ेंगी। तो लिमिट जीरो टू वी, गौर से देखो कैसे चढ़ती हैं। अब बताओ लिमिट कैसे सॉल्व होती है, वही दोहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट रखिए, तो यार वी की जगह वी रख रहे हो तो वी स्क्वायर अपॉन टू ही आएगा, ठीक है, माइनस, अब वी की जगह जीरो रख दीजिए, जीरो स्क्वायर अपॉन टू। तो गौर से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर और हाफ आगे लिख दिया। तो जिसे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझते आ रहे थे, ये एक्चुअल में कमाई तो वर्कडन की थी, यहां से यहां किसी बॉडी की एनर्जी स्टेट को यहां से यहां पहुंचाने के लिए, एनर्जी स्टेट को यहां से यहां पहुंचाने के लिए पहले आपको वर्कडन करना पड़ेगा। आपकी कमाई काइनेटिक एनर्जी के रूप में सामने है, मतलब अब ये वर्कडन हो गया, अब ये आप क्या लिखोगे बताइए, आपने 10,000 रुपए कमाए है ना, होटल में जाके खर्च कर दिए, दारू भारू खाना चकना जो भी है, अब बताइए आपकी कमाई कहां चली गई, वो 10,000 रुपए कहां चले गए, होटल वाले के पास चले गए। तो अब आपके वर्कडन किस रूप में अपीयर हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां एक लाइन लिखेंगे इसके नीचे, दिस वर्क जो आपने किया है इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यदि ये वर्क किसी और एनर्जी में लिख रहा आ रहा होता बाई चांस, तो मैं वो वाली एनर्जी को देता कि भैया ये वर्क होटल में ना जाके ये वर्क तो म्यूचुअल फंड में चला गया, तो दिस वर्क अपीयर इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। फिलहाल तो ये वर्क काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ रहा है, तो दिस वर्क डन इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह लिख दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब समझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बाई चांस एक सस्ती जुगाड़ भी बता देता हूं, यदि आपके स्कूल में कोई सस्ती सी बात हो जाए, तो मान लो यदि ये फोर्स कॉन्स्टेंट हुई, ये वाली फोर्स बाई चांस कॉन्स्टेंट हुई, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। वैसे तो ये फॉर्मूला परमानेंट है, लेकिन फिर भी यदि फोर्स कॉन्स्टेंट हुई तो फिर आपका वर्क ऐसे निकल जाएगा एफ डॉट एस, फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं रहती। बताना एफ की जगह क्या लिख दूं, एफ एस कॉस जीरो, सिचुएशन यही है, बस मैंने एफ कॉन्स्टेंट कर दी, कॉस जीरो की वैल्यू वन, एफ की जगह क्या लिख दूं एम ए, एस की जगह एस, एम की जगह एम और ए की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। अब आप सोच रहे होगे ये क्या कर दिया मैंने, बेटा एक फॉर्मूला होता है ना वी स्क्वायर, तो मैं बता रहा था यदि बाई चांस फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो ठीक है, फिर इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहां बता रहा था एम की जगह एम, एस की जगह एस, ए की जगह ये कहां से आ गया, वो यहां से आया बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। देखो चेक करो, ए यही तो आएगा ना यहां से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू और एस को नीचे ले आओ। अब यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जल्दी बताओ, इस सिनेरियो में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जल्दी देख के बताओ, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, शून्य। तो हटा सावन की हटा बत्ती बजा, तू हट यहां से, हटा दिया यू स्क्वायर को, एस से एस कट गया, तो क्या रह गया बेटा, मात्र हाफ एम वी स्क्वायर रह गया, वही रिश्ता वही, लेकिन सोच फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो आना वही है। लेकिन बेटा जब आप परमानेंट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो आप उसको क्यों लोगे, ठीक है। तो वर्क डन, फिर नीचे वही फॉर्मेलिटी, दिस वर्क इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो कुछ ई थी एनर्जी मोशन में आती, उसमें एनर्जी ई प्लस कुछ हो गई, इस कुछ का नाम हमने रख दिया चला से तेरा नाम, भाई जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नाम तो रखते हैं। अब यहाँ पे एक नई एनर्जी पैदा हो गई, उसको काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, पैदा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, किसी और सिस्टम ने, भैया जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी घट के यहाँ पे आ गई है, कुछ ध्यान रखना, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी तो फिक्स है। तो ये जो कुछ का नाम हमने काइनेटिक एनर्जी रख दिया, वो वर्क से निकलेगी, फॉर्मूला दे दे, किसने ले, तू फॉर्मूला ले,
हाफ एम वी स्क्वायर। आइए इस रिजल्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बेटा फटाफट मोटिवेशन के लिए बोल दो। वहां तो मेरे सब्सक्राइबर है नहीं, लाइक भी नहीं आते, कमेंट भी नहीं आते। आप बताओ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है, बस मेरे को इतनी मोटिवेशन मिल जाए। हाँ, अरे वाह, थैंक यू। सबको नहीं आ रहा, केवल वही भूमिका सवेश देव कुलदीप इन्हीं लोगों को आ रहा है, ठीक। बाकियों को कोशिश तनिष्क आ रहा है, अच्छा। अरे वाह, सब कभी कभार देखो, मैं कभी कभार पूछता हूँ, डेली तो पूछता नहीं हूँ। दिया ठीक ठीक, क्योंकि मैं पता चल रहा अंधेरे में क्यों चल रहा है, सब सो रहे हैं। हर्ष कह रहा है सब सो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, कोशिश करूंगा बेटा जिनका रिप्लाई नहीं आया उनका भी रिप्लाई आ जाए। एक है ना, एक तो शगुन है शायद, शगुन तो ऐसा लग रहा है ऑन करके सो गई। सुहानी है, इसको नहीं आया समझ में शायद, वो 16 बच्चे रह गए। चलो अक्षरा को भी नहीं आ रहा समझ में, अच्छा अक्षरा को आ गया, अच्छे अच्छा। आरुषि को नहीं आ रहा फिर शायद, निकिता को आ गया, अच्छा आ गया, अच्छा चलो थैंक यू बेटा। अब आ जाइए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत सिंपल सी बात, हाफ एम वी स्क्वायर। आप एक चीज सुनिएगा, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, कल पढ़ाए फॉर्मूला दे दे। अब ये वर्क डन तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, हो सकता है ना। वर्क डन नेगेटिव है तो एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, नो डाउट। लेकिन ये एक ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी है, ये वाली, इसने साफ साफ कह दिया मैं नहीं होंगी नेगेटिव, देख लो मैं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका एक्सप्रेशन देखिए, एम ऑलवेज पॉजिटिव, बोलो मास हमेशा किसी का पॉजिटिव ही होता है। वी एक बार को नेगेटिव आ भी जाए उस पर, वी पर तो स्क्वायर है, चलो वी हम मान सकते हैं वेलोसिटी, वैसे तो इसमें स्पीड होता है, स्पीड होता है, लेकिन चलिए मान लो हम कोई वेलोसिटी कंफ्यूज होकर वेलोसिटी बोल रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखो उस पर स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। ऑलवेज ये भी नहीं, कभी कभी, ऑलवेज ये चीख चीख के कह रहा है देखो मैं तो एक हाफ हूं पॉजिटिव हूं। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। आगे आप पढ़ोगे कि कुछ एनर्जी नहीं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे उसका तो एक्सप्रेशन नेगेटिव में भी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन नेगेटिव में आ सकता है, ठीक है। चलिए अभी रुकिए, तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब एक छोटा सा नोट समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बिना पलक झपकाए देखना, मैं एक चीज और कर रहा हूं, जैसे दूध से हम दही बना लेते हैं ना, दूध से मक्खन बना लेते हैं, दूध से पनीर भी बना लेते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी की एक रेसिपी देखना जो मैं करने जा रहा हूं, थोड़े से बस है ना, देखो पनीर बटर मसाला थोड़े से अलग छौंक मार दो तो कढ़ाई पनीर, उसी में कुछ और कर दो तो पनीर कोरमा, ये सब। तो हम इसमें एक हरकत करने जा रहा हूं, देखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई करने की ठान ली। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि जब रेसिपी बनाते हैं तो ये नहीं पूछा जाता ये मसाला क्यों डाला, क्योंकि बनाने वाले को पता है कि इस मसाले को डालने से ये टेस्ट। तो मैं ऊपर नीचे एम को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ऊपर भी एम नीचे भी एम, ओके। तो बताइए एम का एम से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे एम को रहने दो। अब गौर से देखो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को एक ही ब्रैकेट में लिख दो, एम वी एम वी। यार तो देखा देखा सा लग रहा है, कहीं मिला तो था, एम वी एम वी, क्या होता है एम वी? ओए हाँ, ये तो सिवेश शाबाश बेटा, मोमेंटम है, ध्यान करो ये मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक रेसिपी ये भी है, ध्यान रखना। हाफ एम वी स्क्वायर तो है ही है, लेकिन ऐसे भी बाई चांस मोमेंटम ही दे रखा हो, मोमेंटम और मास दे रखे हो तो सीधे ये लगा देना, तो ठीक है। बस ये बेचारा थोड़ा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कैरेक्टर है, मतलब है तो बढ़िया फॉर्मूला, लेकिन अभी इसको रिकॉग्नाइजेशन इतनी नहीं मिली। फ्रंट पे तो वही सलमान खान शाहरुख खान ही दिखते हैं ना सबको। तो ये भी बढ़िया फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, पी यहां मोमेंटम है। अब आपको समझ में आ गया होगा एम क्यू मल्टीप्लाई किया गया है। और यदि बाई चांस इसका उल्टा कर देता हूं, उल्टा मतलब पी स्क्वायर कितना आ गया, टू एम के ई, देखो पी स्क्वायर हो गया टू एम के ई, तो यहां से पी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट टू एम के ई। मतलब ये दोनों आपस से कोरिलेट है, मोमेंटम दे रखा हो तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल लेना, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और मोमेंटम निकालना हो तो ऐसे यूज कर लेना, एक ही फॉर्मूला है। वैसे तो कोई सा भी याद कर लो, इसे याद कर लो, ये ज्यादा आसान है।
स्क्वायर रूट 2 MKE याद करने के लिए छतरी के अंदर दो मंकी, छतरी के अंदर दो मंकी, मेरी छतरी के नीचे आ जा दो मंकी, घटिया सा है लॉजिक लेकिन हाँ याद कर सको तो, मोमेंटम इक्वल टू छतरी के अंदर दो मंकी। अब चलिए अब आपसे एक छोटे 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 सवाल पूछता हूं, ठीक हो गया ना यहां तक। चलिए काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ये थोड़ा याद रहेगा आपको शायद, यदि बोलो नहीं छतरी के अंदर दो मंकी तो। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक नया हाफ एम वी स्क्वायर परिस्थिति के अनुसार, आपको लगता है सीन ये लग रहा है तो ये लगा लीजिएगा, आपको लगता है मोमेंटम का सवाल पूछा है तो ये लगा लीजिएगा, ये तो आपको सवाल से पता चलेगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छा क्वेश्चन है सुनिएगा, क्वेश्चन है एक ट्रक है और एक कार है, ठीक है एक ट्रक है और एक कार है, बोथ आर, सवाल प्लीज से सुनना क्वेश्चन तो वो आपकी नोटबुक में प्रॉपर लिख रहा है, एक ट्रक है और एक कार है, बोथ आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, मतलब एक सड़क पे जा रहे हैं, एक सड़क पे जा रहे हैं, ये रहा ट्रक, ये बेचारी कार नहीं बनेगी मुझसे, जैसी भी मान लो है ना, इधर जा रहे हैं उसको, ठीक है इधर भग रहे हैं, ये एक ट्रक है और एक कार आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, ट्रक एंड कार मूविंग विद सेम मोमेंटम, समझना सिचुएशन मैं दे रहा हूं आपको। अच्छा ऐसा हो सकता है कि, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है पहले यहां पे कि दोनों का मोमेंटम सेम हो, बुद्धि यहीं से लगाना चालू करिए, यदि दिमाग को पहना करना है तो शार्पनेस देनी है दिमाग को तो बुद्धि लगाइए, क्या ये पॉसिबल है या वैसी इमेजिनरी बात है, पॉसिबल है या ट्रक तो बहुत भारी होता है, ट्रक सुहानी कह रही है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, शुभम कह रहा है पॉसिबल है, और भी लोग सिवेज कह रहे हैं पॉसिबल है, बताना मोमेंटम सेम हो सकता है कोई लॉजिक दो। हाँ शुभम ने ठीक सोचा, तनिष्का कह रही है नहीं पॉसिबल, चलिए मैं बताता हूं पॉसिबल है, एक बात बताइए इमेजिन करो कार का मास, इमेजिन करो कार का मास 2 किलो है, 2 किलो की होती नहीं है मान लो ठीक है, और ट्रक का मास 10 किलो है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चला ट्रक भारी होगा, ठीक है मैंने ट्रक भारी लिया है वैल्यू देखे तो ठीक है 10 किलो 2 किलो 10 किलो 2 किलो, ये भी तो हो सकता है कि ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भग रहा हो, समझना ट्रक 10 किलो का ट्रक 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भग रहा हो, और ये 2 किलो की गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भग रहा हो। अब आप चेक करिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m into v, मोमेंटम में को क्रिएट करने में सिर्फ मास का योगदान नहीं होता, मैंने उस दिन कितनी अच्छी क्लास पढ़ाई, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी थी, आपके अकॉर्डिंग तो आप भूल गए, तभी तो आपने ये आंसर दिया कि मोमेंटम को क्रिएट करने में दोनों का योगदान होता है, केवल मास नहीं वेलोसिटी को भी रोल देखिए। अब आप बताइए एम इंटू वी करना 10 × 40 आएगा मोमेंटम, इसको करना 20 × 40 आएगा मोमेंटम, तो अब मुझे बताइए तनिष्का सुहानी क्योंकि क्या ट्रक और कार सेम मोमेंटम से चल सकते हैं या नहीं चल सकते बताइए, तभी मैंने ये सिचुएशन दी थी कि अपने दिमाग को थोड़ी सी धार दीजिए, ऐसा हो सकता है जो भारी है वो थोड़ा धीमे चल रहा हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझना, जो भारी है वो थोड़ा धीमे चल रहा हो, धीमे है ये इससे तो धीमे, और जो हल्का है वो तेज चल रहे तो हो सकता है मोमेंटम सेम हो जाए, मोमेंटम से मास ज्यादा हो स्पीड कम हो, स्पीड ठीक है ना। तो अब आप क्वेश्चन समझना, अ ट्रक एंड कार आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, इनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, विच ऑफ दीज टू हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ दीज टू हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आंसर दीजिए। अब मैं दोबारा दीजिए, हर्ष और देव का आंसर पढ़ लिया मैंने, कार कार पीछे किसी ने दिया हो दोबारा दे दो, भूमिका कार दे रही है दिया कार, अच्छा सबके कार ही आ रहे हैं, मतलब कार की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अच्छा आपने वो हाफ एमवी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लिया होगा, अच्छा लगा के देखो मैंने नहीं इतना सोचा था, इसमें हाफ एमवी स्क्वायर लगाए, इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हाफ एमवी स्क्वायर, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है चलो हाफ की जगह हाफ, इसका मास मैंने 10 यूनिट लिया हुआ है, जरूरी नहीं 10 किलो लिखो 10 यूनिट लिख लो, आपको इसकी जगह m की जगह 2, अब v स्क्वायर 4 × 16 करोगे यहां
और यहां वी स्क्वायर 400 करोगे तो ये आ रहा है बेटा 80 और ये आ रहा है 400। ओ भाई सही बताया आपने, इन्हीं वैल्यू को देखना। रुको 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 रुको, ठीक है यदि आप इस वैल्यू को करो तुक्का फिट हो गया। मतलब कि मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि आप ऐसे गैस कर लोगे कि 10 किलो का ट्रक या कोई भी बॉडी, जरूरी है ट्रक ले पत्थर भी ले सकते हो ठीक है, और ये 4 की स्पीड तो मोमेंटम 40 आ रहा है इसका, यार मोमेंटम सेम आ रहा है लेकिन आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं आ रही। तो इससे ये चीज मोमेंटम का सेम होना काइनेटिक एनर्जी की सेम होने की गारंटी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ये तो गंवार पने का तरीका हो गया कंजड़ों के लिए। इस सवाल को करने के लिए यदि आपको अपनी बुद्धि तेज करनी है, फिजिक्स और सीखनी है, तो ऐसे नहीं ऐसे जवाब देना सीखो। सिंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पी स्क्वायर अपॉन 2m, होता तो हाफ एम बी स्क्वायर भी है लेकिन मेरा दिल इस पे क्यों धक धक कर रहा है, क्योंकि इस सवाल में, हाँ भूमिका में समझ रहा हूं, इस सवाल में मोमेंटम दिया है, चाहे भले वो सेम दिया है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पूछी है, मोमेंटम दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो मैंने ये फॉर्मूला चुन लिया। अब सिंस हियर, हियर मतलब मेरे घर पे नहीं, इस सवाल में सिंस हियर मोमेंटम कैसा है, सेम, सेम का मतलब है कॉन्स्टेंट, क्योंकि मोमेंटम तो एक जैसा है, वो तो एक जो मोमेंटम यहां है वो मोमेंटम यहां है, तो मोमेंटम कॉन्स्टेंट। तो अब सुनिए, क्योंकि मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, जैसे 2 कॉन्स्टेंट है वैसे मोमेंटम कॉन्स्टेंट है इस सवाल में। चलो 2 तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है लेकिन मोमेंटम एटलीस्ट इस सवाल में तो कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम चली गई। ध्यान रखना, कई लोग ना बदतमीजी क्या करते हैं, बिना सोचे समझे इनवर्सली मार दिया। हमने पहले ये जज किया है कि ये दोनों कॉन्स्टेंट है। अच्छा यदि मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं होता तो मैं ये लिखने का हकदार नहीं था। ध्यान रखना, यदि मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये लिखने का हकदार नहीं था मैं, लेकिन क्योंकि मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट है, भी क्यों 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो गई। यहां से आंसर देना सीखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जिसका मास कम होगा, लेसर द मास, मास की वैल्यू जितनी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी नहीं होगी बोलो। तो मास किसका कम है यार, कार और ट्रक में, कार और ट्रक में, तो कार का मास कम होता है ना, तो ट्रक में और कार में कंपेयर करें ठीक है, तो कार का मास कम होता है इसलिए कार की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ठीक है। नोट्स में तमीज से लिख रहा है, फिर भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, उसमें सब प्रोफेशनल तरीके से नोट्स लिखे हो कि हाँ भाई क्यों का क्यों का की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो बेटा आज ही तुक्के में आया है मेरे सामने। अब सीन दूसरा है ठीक है, सीन दूसरा है, जल्दी लो बेटा लेना है तो, यहां सीन दूसरा ये है, फिर से ट्रक और कार चल रहे, फिर से ट्रक और कार जा रहे, ट्रक एंड कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अब वो सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। पहले बताओ ऐसा संभव है या नहीं है कि ट्रक और कार सेम काइनेटिक एनर्जी से चल पा रहे हो, ट्रक तो भारी है। तो बेटा मैंने अभी अभी बताया तो कोई बात नहीं, ट्रक का मास ज्यादा है उसकी स्पीड कम होगी, वही लॉजिक कार का मास कम है उसने स्पीड से कंपनसेशन कर लिया होगा। तो ट्रक एंड कार आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ दीज टू हैव ग्रेटर मोमेंटम, अब किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, करिए बेटा जल्दी बताइए कि अब क्वेश्चन ये है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। सिवेश भूमिका वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, अब बेटा वो बच्चों वाले हरकत आप अपने आप कर लेना है ना, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, देख बिल्कुल ठीक, फिर से ये वाला फॉर्मूला उठा लो, छतरी के अंदर 2 मंकी। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों उठाया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मोमेंटम पे डिसीजन लेना है, तो इसलिए जिस पे डिसीजन लेना हो या जिसे कैलकुलेट करना हो उसे तो LHS में रखना पसंद करेंगे ना। अब सिंस हियर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से भी क्यों 2 तो कांस्टेंट है ही है, तो ये और ये कांस्टेंट में चले गए, तो मोमेंटम इस बार रूट एम के प्रोपोर्शनल है, एम अब की बार ऊपर आ रहा है भले ही रूट में आ रहे, रूट एम। तो ये कॉन्सेप्ट क्या चीख चीख के कह रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, मास सीधी सी बात है ट्रक का ज्यादा है, ट्रक और कार को कंपेयर करें तो जिसका मास, लेकिन लेकिन ध्यान रखना शर्त है, ये फॉर्मूला तब है जब काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है,
तो यानी यदि सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब एक सवाल और दे रहा हूं मैं, उसको करके बताइएगा। नोट्स नहीं देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल है कि यदि किसी बॉडी का मोमेंटम कुछ है और अचानक उसने एक्सीलरेट होकर बढ़ा दिया, तो सवाल यह है कि मोमेंटम 11% नहीं 10% बढ़ा दिया है। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज टू 10%, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज टू 10%, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ी होगी? आप बुद्धि लगाइए, मोमेंटम बढ़ाने के लिए वेलोसिटी बढ़ाई होगी। अब यहां ट्रक और कार नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, यहां तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसने अपना मोमेंटम बढ़ा दिया है, मोमेंटम बढ़ाने के लिए उसने स्पीड बढ़ाई होगी। तो बताइए यदि मोमेंटम 10% बढ़ गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट, कितने प्रतिशत बढ़ेगी? सच्चाई मुझे पता है कि दिक्कत क्या आ रही है, एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, समस्या तो प्रतिशत परसेंटेज निकालने में है। हाँ तनिष्का बिल्कुल ठीक, समस्या कई लोगों की परसेंटेज को कैलकुलेट करने में कि यार ये परसेंटेज बीच में घुस जाता है, तो फिर मतलब प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं, प्रॉब्लम मैथ में। सच सच बताना, सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, परसेंटेज का लोचा है या नहीं? ईमानदारी से बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो फिर तो चेप दूंगा, फिर कर लेना अपने आप। परसेंटेज का लोचा होता है कि यार ये ठीक है, तो चलिए ईमानदार थे ये बच्चे, वेरी गुड बेटा, उल्टा मेरी नजर में इज्जत बढ़ती है जब ऐसी बातें एक्सेप्ट करते हो। तो चलिए पहले मैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं कि परसेंट, क्योंकि आज नहीं सीखोगे तो बेटा परसेंट के सवाल, तो कि मैंने मान लो रेजिस्टेंस इतने, मान लो वेलोसिटी इतने परसेंट बढ़ा दी तो एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कितने परसेंट घटेगी, कैसे करते हैं ऐसे सवालों को? तो देखिए सबसे पहले यदि एक काम करते हैं, सवाल को बाद में लेता हूं, पहले यहां परसेंटेज की कॉन्सेप्ट लेता हूं। आपने बचपन में लॉस और प्रॉफिट के सवाल किए थे या नहीं किए थे? लॉस और प्रॉफिट के कि उस बंदे ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 110 रुपए में बेच दी, हो गया 10 रुपए का फायदा, है ना। 100 रुपए की चीज खरीदी 90 या 95 रुपए में बेचनी पड़ गई, 5 रुपए का नुकसान। बस यदि ये सवाल किए तो कोशिश करना, जैसे मैं हमेशा केले वाला मेथड बोलता हूं ना, यूनिटरी मेथड को, यूनिटरी मेथड आपके लिए कितना पावरफुल रोल प्ले कर रहा है ये सबको पता है, ठीक है। ऐसे ही एसपीसीपी के सवाल देखिए, यदि मान लो मुझे प्रॉफिट निकालना है कि मुझे मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हो, ठीक है। और यदि मुझे लॉस देखना हो कि मेरा कितना लॉस, तो उस समय सीपी ज्यादा होता है। यहां क्या चीज है, यहां बस एक चीज कि यहां फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते, यहां ज्यादा माइनस कम करते हैं, जो ज्यादा हो उसमें से घटाओ। अब प्रॉफिट होता है तो ये भाई साहब ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट में सेल देखो, प्रॉफिट में ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे। और जब लॉस होगा तो लॉस में देखो ये ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा माइनस कम करना है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव में ही निकालनी है। आप कभी ये नहीं कहते यार मुझे -10 रुपए का, यहां ये नहीं बोलोगे मुझे -5 रुपए का नुकसान हो गया, यही बोलोगे यार 5 का नुकसान हो गया, यहां बोलोगे 10 का फायदा हो गया। तो इसलिए ज्यादा में से कम घटाते हैं। अब जब बात आती है परसेंटेज निकालने की कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो चाहे वो लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, डिनोमिनेटर में सीपी ही रखना होता है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है ना, और इनटू 100। ध्यान रखना जैसे ही परसेंट निकालना हो तो कितने का खरीद के कितना फायदा हुआ और कितने का खरीद के कितना नुकसान हुआ, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा। अब इससे फिजिक्स का क्या लेना देना बताता हूं। बताइए यदि सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में मुझे किसी को इनिशियल बोलना हो तो किसको बोलना उचित होगा, इनिशियल फाइनल, एक दो वर्ड अटैच करूंगा, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, तो इसको आप इनिशियल बोल दीजिए क्योंकि इनिशियल ये था फाइनली ये हुआ आपके साथ, तो इसको कॉस्ट प्राइस को हम इनिशियल बोलेंगे और सेल प्राइस को फाइनल। अब इसको फिजिक्स में कैसे यूज करना है, जैसे किसी की वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, अब उसने पूछा कितने परसेंट वेलोसिटी बढ़ गई, किसी ने पूछा कितने परसेंट वेलोसिटी बढ़ गई, तो आप कैसे यूज करोगे, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ गई है तो आप इसको ऐसे समझो प्रॉफिट हो गया है आपको,
अब ऐसे फील करोगे प्रॉफिट हो गया है आपको, तो पता है क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देगा, इनिशियल वेलोसिटी, नीचे क्या रखोगे इनिशियल, वी आई भी लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल इनटू 100। समझने की कोशिश करो, मैं प्रॉफिट से ही समझा रहा हूं। यदि किसी की वेलोसिटी बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया उसको, वी आई वी एफ बोल दो चाहे वी टू वी वन, मुझे वी टू वी वन कंफर्टेबल लगता है। आप इसको ऐसे लिखना, मेरी तरह से चलोगे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन इंटू 100। बेटा क्या मैं ये बात समझा पाया है? नहीं, पहले ये बताओ ये समझा पाया कि नहीं, ये चीज की वेलोसिटी कितने परसेंट बढ़ गई। तो फॉर्मूला ये चीज ऐसे क्रिएट करोगे, नीचे लिखोगे कितनी थी, कितनी थी यानी कॉस्ट प्राइस ही रखनी है नीचे, नीचे इनिशियल ही रखना है और ऊपर रखना है जो चेंज हो गई कितनी बढ़ गई। अच्छा मान लो सेम, यदि ये सवाल हो कि मान लो मैंने किसी सिलेंडर को दबा दिया ना, ने खींच दिया सिलेंडर को, खींच दिया, जब मैं सिलेंडर खींच दूंगा ऐसा हो जाएगा ना, बताओ पहले ये बताओ सिलेंडर को खींच दूंगा, इनिशियली सिलेंडर ऐसे था और फाइनली ऐसे हो गया। अब इसने ये पूछ लिया बताओ कितने परसेंट एरिया घट गया, चेक करो एरिया घट जाएगा वैसे करोगे तो, पहले एरिया देखो इतना था, अब एरिया बेचारा इतना रह गया, एरिया घट गया ना। अब आपसे कोई पूछे कितना एरिया घट गया, अब घट गया यानी लॉस हो गया है आपको, एरिया घट गया है। तो अब आप सही कोई पूछे परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, फिजिक्स में ये चीजें से दोस्ती कर लो क्योंकि ये चीज तो जिंदगी भर आती रहेगी जब तक साइंस रहेगी, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो बताइए नीचे ए टू लिखू या ए वन लिखू, बताइए आप नीचे ए टू लिखू ए वन लिखू, ए वन माने इनिशियल एरिया, जल्दी बोलो नीचे आएगा ए वन, वेरी गुड शिवेश, नीचे आएगा ए वन, ऊपर क्या आएगा अब बताओ, लॉस हो चुका है ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, ए टू माइनस ए वन या ए वन माइनस ए टू, सुहानी थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा सोच, शुभम ठीक, देव ठीक, दिया ठीक, ए वन माइनस ए टू, क्योंकि पहले एरिया ज्यादा था, मैंने यहां पे एक एडजस्टमेंट बोला था ना, जो ज्यादा हो उसमें से कम घटा देना, तनिष्का थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ए टू माइनस ए वन नहीं, ए वन माइनस ए टू, मैं थोड़ा रुक रहा हूं, यदि अभी भी आपके गलत आ रहे हैं तो थोड़ा सोचो, वही सेम दो बंदे सुहानी तनिष्का पास पास बैठे हो क्या, क्योंकि पहले भी सेम गलती थी, अब भी इस बार ये वाला एरिया ज्यादा है ना, पहले एरिया ज्यादा था, ये बेटा ये इनिशियल है ये वाला सिलेंडर, फाइनली ये हो गया, लॉस हुआ है ना, एरिया कम हो गया है ना, एरिया कम हुआ है खींचने की वजह से, और आपको क्या करना है पॉजिटिव में निकालना है, तो ज्यादा माइनस कम करना है इनटू 100। यदि चीज बढ़ती है फिजिक्स में कोई, तो ऐसे फॉर्मूला मान लो एक और दे देता हूं कि मैंने आपसे पूछा लेंथ, इसी में पूछता हूं लेंथ बढ़ गई, लेंथ तो बढ़ी है ना, अच्छा इसमें गौर से देखो, इस वाले खींचा तानी में लेंथ बढ़ गई है सिलेंडर की, एरिया कम हो गया है, तो आपसे पूछता हूं परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ये पूछ लू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, आप इसमें क्या फॉर्मूले को शेप दोगे बोलो, कैसे फॉर्मूले को शेप दोगे, शिवेश तैयार बैठा था, वेरी गुड, हाँ शिवेश बिल्कुल ठीक, तो बताइए नीचे क्या लिखू मैं, जल्दी बोलो नीचे क्या आएगा, अभी भी नहीं बता पा रहे हो यार, फिर तो बाकी बहुत बड़े कंजड़ हो, नीचे बताओ L1 आएगा, अभी भी इनिशियल, हाँ इनिशियल आएगा यानी L1, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, हाँ देव बिल्कुल ठीक, ऊपर आएगा जी हाँ L2 माइनस L1 इंटू 100। अब बताइए परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अब यही है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने हमेशा फंडामेंटल मजबूत करने की कोशिश की है, यही फिजिक्स लगानी है। अच्छा अब क्या पूछा है उसने ये पूछा है कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पहली बता देता हूं परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या फॉर्मूले को शेप देनी पड़ेगी, नीचे आएगा के वन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो बढ़ी हुई में से घटी हुई मतलब कम ज्यादा में से कम घटा दो इंटू 100, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो ये बात स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए इसका, एक तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में परमानेंट बिठाइए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि केवल इस सवाल के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना आज के बाद कभी बताऊंगा भी नहीं इस फिजिक्स को, इस चीज को मैथ को। अब आ जाइए एक चीज और
समझो नहीं तो बताना। मान लो आज की रेट में पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, मान लो 100 रुपए की प्राइसिंग है एक यूनिट की, एक लीटर की। रात को खबर आई कि कल से इसके पैसे 7% पैसे बढ़ जाएंगे, 7%। आज क्या है, संडे, संडे को आज ये 100 रुपए है और खबर आई रात को कि ये क्या कहते हैं 7-7% बढ़ जाएंगे। तो मुझे कोई बताएगा मंडे को पेट्रोल की, बहुत इजी सवाल दिया, मंडे को पेट्रोल की प्राइसिंग क्या होगी, अब अपडेटेड प्राइसिंग क्या होगी अब? जी हाँ हर्ष, बिल्कुल ठीक, मैंने बहुत इजी वैल्यूज दी है बेटा, ये मीटिंग चली जाएगी जल्दी जल्दी बताओ। जी हाँ, अब 107 रुपए की, जिसको बताना था उसने बता दिया, दिया हर्ष, वेरी गुड। जो नहीं बता पाए वो समझिए क्या करना पड़ेगा हमें मंडे को। सीध ये था कि 7% बढ़ गया तो 100 रुपए प्लस, 100 रुपए में कुछ बढ़ जाएगा भाई, कुछ बढ़ जाए, 100 रुपए तो थे ही थे, उसमें कुछ रुपए बढ़ जाएंगे, वो कुछ कैसे निकलेगा, 100 रुपए का 7%, 100 रुपए का 7%, ऐसे। मतलब जो रुपए हैं वो तो है ही, उसमें 7% और बढ़ जाएगा, फिर वो कैसे निकलेंगे, 100 रुपए प्लस 100 का 7%, 100 कट गया, 107 रुपए का हो गया पेट्रोल। कितनी इजी बात। अच्छा यदि यही न्यूज आती कि संडे को 100 रुपए है, 5% वो क्या कहते हैं 7% घट जाएगा, तो बताइए मंडे को क्या प्राइसिंग मिलेगी। सवाल ये है, संडे को सौ रुपए का है और मंडे को 7% घट जाएगा तो 93, फिर क्या करोगे आप, 100 रुपए में से कुछ घटा दोगे, कुछ कितना घटाओगे, कुछ कितना घटाओगे, 100 का 7% जो कि 7 रुपए ही आता है। मैंने वैल्यू और सॉली जानबूझ के, अच्छा एक मैं देखता हूं जल्दी से आंसर देना, तो 100 में से 7 घटा दो 93 रुपए का। एक क्वेश्चन जिसका इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपका परसेंटेज का लेवल चेक हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इजी दे रहा हूं। 100 रुपए की कोई चीज है ना, 50 मंडे को आई, संडे को 100 रुपए की कोई चीज है, मंडे को 50% छूट पे मिलेगी, सुनना मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ये कहा 50% ऑफ मिलेगी है ना। ट्यूसडे को ये आया कि 50% बढ़ गए प्राइस, तो वेडनेसडे को कितने रुपए का मिलेगा बताओ, जल्दी बताइए जल्दी। संडे को था 100 रुपए, मंडे को 50% बढ़ गए, ट्यूसडे को 50% बढ़ गए, ठीक है, हाँ बेटा वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ। कितने का हो जाएगा फिर वेडनेसडे को, हर्ष गलत, शुभम गलत, शिवेश गलत, अच्छे अच्छे लोगों ने गलत कर दिया, शिवेश गलत। सवाल यह है 100 रुपए की कोई चीज संडे को थी, देव गलत कि मंडे को 50% घट गए, ट्यूसडे को 50% बढ़ गए, ठीक है, सुहानी गलत, वेडनेसडे को कितने रुपए की मिलेगी, इसका जवाब तो मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, चलो यहाँ चलिए मैं सवाल तो देखिए, पता है संडे को 100 रुपए हो गए, 100 रुपए थे, 50% ऑफ यानी 100 का 50, यानी मंडे को प्राइसिंग हो गई 50 रुपए। अब जो प्राइसिंग है मंडे की वो 50 रुपए है, अब ट्यूसडे को क्या न्यूज आई, ट्यूसडे को न्यूज आई कि जो प्राइस है ना, क्योंकि मंडे को प्राइसिंग 50 रुपए हो चुके, अब ये रिफ्रेश प्राइस हो चुकी है 50 रुपए, अब ट्यूसडे को न्यूज आएगी अब 50% बढ़ जाएंगे, अब इसका 50% बढ़ेगा ना, ठीक है, अब इसका 50% बढ़ेगा, तो कितने की हुई कि 50 रुपए की तो थी, उसमें 50% ठीक है, तो कितना हो गया 25, कितना हो गया 75 रुपए। पता है ये जो मॉल वगैरह होते हैं, मॉल, ये मुझे अकल कब आई थी, आज से कई साल पहले कूटों से कंपनी चलती थी, हाईवे प्लाजा में गया था, मैंने पहली बार वहां एक ऑफर देखा था कि 50+50% डिस्काउंट, सोचो मेरा दिमाग में कई बार बता चुका हूं कि कैसे चलता है, तो उसमें ये था कि 50% प्लस 50%, मेरे भी आपकी तरह गलती कि साला फ्री में मिल रही है, ये फ्री में है, ये तो 50+50, पहली बार को मैं भी गड़बड़ कर गया, लेकिन बताइए यदि 50+50% डिस्काउंट है, इसका मतलब ये है कि पहले आधा करेंगे फिर उसका आधा करेंगे, तो बताइए यदि 1000 रुपए की कोई शर्ट पे टैग लगा हुआ है, उस पे टैग लगा हुआ है, तो इस ऑफर के बाद निकल के फ्री की होगी या कितने रुपए की होगी, बोलो बताइए, इस ऑफर को ऐड करने के बाद कितने रुपए की होगी वो शर्ट,
1000 रुपए की शर्ट इस ऑफर से गुजरने के बाद कितने की मिलेगी? 750 की मिलेगी। सवाल यह कि 50+50% डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट है, 50+50 अभी भी नहीं कर पा रहे परसेंटेज यार, ये डिस्काउंट है। इसमें ये वाला सवाल नहीं कि पहले घट गए फिर बढ़ गए। हाँ सिवेश अब ठीक है, अब ठीक है कि 50+50% डिस्काउंट मिलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ साला फ्री में ये कैसा बिजनेस हो सकता है, ये 250 में मिलेगी बेटा, पहले 50% कर दो 500 हो गया, अरे कोई 225 कोई 450, ये भगवान रहने दो तुम्हें, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा क्या गंवार बना वेला रखा है। अब इसका भाई पहले 100 रुपए का 50% डिस्काउंट करो 500 रुपए का हो गया, फिर इसका 50% डिस्काउंट कर दो 250 रुपए हो गया, 250 की मिलेगी, कौन सी रॉकेट साइंस लगा रहे भगवान जाने। चलिए ये मीटिंग शायद चली जाए, उससे जाने वाली है, वो सवाल करवा देता हूं मैं नेक्स्ट मीटिंग में, आज लाइव ही कर दूं ना। अब आप देख सकते हैं आपका मेंटल लेवल कहां है, तो परसेंटेज के सवाल कैसे हो जाएंगे जब आपकी परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल ही नहीं पता। चलिए वो सवाल को करा के छोड़ता हूं। क्या था सवाल बेटा कि मोमेंटम बताइए, सवाल था कि मोमेंटम 10% बढ़ गया तो बताइए जो नया मोमेंटम होगा P2 माने फाइनल मोमेंटम, P1 पुराना मोमेंटम प्लस P1 का 10%, बोलो इतना समझ में आ गया? क्योंकि अभी मैंने एक चीज बताई थी 100 रुपए का पेट्रोल यदि 7% बढ़ जाए तो 107 रुपए का हो गया था, 100 रुपए का पेट्रोल प्लस 100 का 7% है ना, तो बस यार 7 नहीं है 10% है बस। तो ये जब सॉल्व करोगे तो नया P2 माने फाइनल मोमेंटम 11 P1/10, ये तो हो गया नए और पुराने मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या फॉर्मूले की शेप दोगे आप, KE1 KE2 - KE1 × 100, बोलो यही शेप दोगे कि नहीं दोगे? अब तो बेटा स्पीड पकड़ लेते, तो एक काम करो इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं KE2। अच्छा ये सवाल आप अलग अंदाज से भी कर सकते हो यदि आपको कोई आता हो, जरूरी नहीं इसी तरीके से ही हो। मैंने देखिए बेटा KE1 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, KE1 जब इससे डिवाइड होगा तो ये हो गया और इससे डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा। अब हमें मोमेंटम दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी पर डिसीजन लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए P²/2m / P²/2m - 1 × 100। सही लिखा मैंने गलत लिखा? P² से P² कट जाएगा, 2m से 2m कट जाएगा, 1 - 1 0% आ गए हैं, कुछ गलती है? अच्छा सही है ये बताओ फिर, तो ये ऊपर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, कहानी खत्म, 0 हो गया। तो क्या गलती है ढूंढो, गलती ये है कि ये जब ये KE2 है तो ये P2 होगा, ये KE1 है तो ये P1 होगा, हाँ मास सेम रहा होगा, P2 P1 डालेगा तो सिर्फ मास से मास कटेगा, 2m से 2m, मतलब मास और 2, तो क्या रह गया, ये रह गया P2/P1² - 1 × 100 - 1 × 100, ये अब P2/P1 आपका यहां पहले से ही तैयार है, P1 को इधर ले आओ, तो 11/10 इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 121/100, तो ये हो गया 121/100 - 1, जिसका परसेंटेज यदि अच्छा हो ना, मैं उसको इतनी मेहनत से नहीं बताता फटाफट, लेकिन तुम्हारा तो परसेंटेज ही लुल्ल है, तो बच्चों की तरह बताना पड़ा। सॉल्व करो इसे, इसे भी मैं सॉल्व करूं, 21% आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए 21%। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जहां आपका कमजोर पार्ट है वहां मेहनत करना चालू करिए। आज आपको पता चल गया होगा परसेंटेज में थोड़ी कमी है, तो उसको एक प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बाय बेटा।